नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फरीद अहमद। कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमे से नाम निकलवाने के नाम पर जालसाज अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नईम चौधरी पुत्र मंसरीम चौधरी निवासी महजीद के पास रानी डीहा थाना कैंट गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, कांस्टेबल अमलेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कैंट क्षेत्र के रानी डीहा क्षेत्र में एक दलाल और बदमाश नईम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इस नईम चौधरी ने 343/22 जो धारा आईपीसी 307 का एक मुकदमा दर्ज था, उसमें गोलू सानी नाम का व्यक्ति जो अभियुक्त था, उससे ये वादा किया कि आप तुम्हारा नाम मैं पुलिस से कह के निकलवा दूंगा, इस एवज में मुझे 1,00,000 रुपये दीजिए। इस बात की सूचना जब पुलिस को हुई तो उन्होंने इस व्यक्ति से तहरीर प्राप्त की। तहरीर प्राप्त करने के बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फ्रेश मुकदमा 202/23, 406, 420, 504, 506 आईपीसी का, उसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया है और 1,00,000 रुपये जिसकी एवज में इसने गोलू सानी से लिए थे, उसके वो भी इसके बरामद करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ इसकी पूर्व की भी, इसको गुंडा गैंगस्टर दोनों में इसकी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम निकालने डलवाने, किसी को गिरफ्तार करवाना या नाम निकलवाना, इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना कर सके। थैंक यू।